हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। छोटा सा ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग देखेंगे लाइट इफेक्ट, जो कि हम लोग बहुत इजीली एक मिनट पे इस पिक्चर में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नीचे अपने लेयर्स वाली टूल में फिक्स में जाना है। फिक्स से जाके हम लोगों ने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, और ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जो हमारा कलर टूल है टूल्स के अंदर, वहाँ पे कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेना, जो कि ग्रेडियंट में सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एंगल हम लोगों ने इसका ज़ीरो रख लेना, क्योंकि हमें पिक्चर के लेफ्ट साइड पे ये कलर चाहिए। तो इसी तरह हमने एक और ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया तो ये हमारा ब्लू कलर इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि कलर्स में जो फ्रंट पे कलर है वो हमने ब्लू सिलेक्ट किया, तो हम लोगों ने रेड करना है। तो रेड कलर देखिए ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट में आप अप्लाई होगा। तो ये देखिए, तो इसका एंगल हम लोगों ने कर लेना 180, क्योंकि ये राइट साइड पे हमें चाहिए। तो जैसे ही एंगल 180 किया तो ये राइट साइड पे आ गया, तो कलर्स हमारे दोनों पिक्चर पे एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब हमने इन दोनों ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके इनका जो ब्लेंड मोड है उसको हमने कलर पे कर देना है। ये देखें, कलर पे किया तो ये पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये रेड कलर थोड़ा ज़्यादा है रेड शेड, क्योंकि रेड डार्क कलर होता है, इस वजह से तेज़ है। तो रेड कलर की लेयर को हम नीचे कर देंगे। तो ये देखें, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक साइड पर ब्लू कलर और एक साइड पर रेड कलर, कितनी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। और अब हम इन दोनों लेयर्स को मैं ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे इमेज की पहले क्या लुक थी और अब क्या लुक है। ग्रुप किया, ये देखिए, ये हमारा ओल्ड इमेज था, ये न्यू इमेज है। आई होप कि गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो का ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।